नमस्कार, प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत है। और अब तक की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर हाजिर हो चुका हूं आज न्यूज वाला के ऊपर। और एयरफोर्स ने एक बड़ा दावा किया, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन एयरफोर्स की तरफ से किया गया था। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का F-16 उनकी तरफ से मारा गया और उसके सबूत भी आज मीडिया को दिखाए गए हैं। और आपको बता दें कि भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और पाकिस्तान के झूठ के ऊपर बेनकाब करते हुए सभी सबूत दुनिया के सामने रख दिए हैं। और इन सबूतों को सामने रखने के बाद अब पाकिस्तान को इसके ऊपर कोई बात नहीं आ रही। और सेना ने बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के फाइटर प्लेन जो F-16 की बात करें तो वो आया था और जैसे ही वो भारतीय सीमा में घुसा और उसके ऊपर भारतीय सीमा की तरफ से भारतीय सेना ने एक मिसाइल से एक बड़ा हमला उसके ऊपर किया था और फाइटर प्लेन के ऊपर जाकर ये मिसाइल लगी और इसके टुकड़े बकायदा मिसाइल के ये जो मिसाइल थी ये गिरी और इसके टुकड़े और फाइटर प्लेन के टुकड़े जो मीडिया के सामने रखे गए और मीडिया को दिखाए गए। और आपको बता दें कि सेना ने बकायदा ये सभी प्रूफ जो हैं मीडिया के सामने रख दिए हैं। और आपको बता दें कि 26 फरवरी को बालाकोट में भारतीय वायु सेना ने एक बड़ा एयर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जिसके बाद पाकिस्तानी वायु सेना की बात करें तो उनके लड़ाकू विमान जम्मू कश्मीर के रजौरी सेक्टर के अंदर अपने बड़े टारगेट सेट करने के बाद भारतीय सीमा में घुसे, लेकिन जो निशाना बनाने का प्रयास वो सोच कर आए थे ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि वो सैन्य ठिकानों के ऊपर ये निशाने सेट कर आए थे, लेकिन रजौरी और अन्य सैन्य ठिकानों के ऊपर वो जो प्रयास करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। और इस दौरान उनके कई टारगेट जो थे उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया। हालांकि इसमें किसी प्रकार का जो बड़ा नुकसान इसमें नहीं हुआ, लेकिन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए उनका एक विमान F-16 उसको मार गिराया। और 27 फरवरी को भारतीय विदेश मंत्रालय ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और इसमें भारतीय वायुसेना के पाकिस्तानी जो फाइटर प्लेन है इस फाइटर विमान को मार गिराने की बात कही थी। लेकिन पाकिस्तान सेना ने यह कहा था कि जिस विमान को गिराने का दावा भारत की तरफ से किया गया उस विमान को इस ऑपरेशन के अंदर शामिल ही नहीं किया गया। तो पाकिस्तान का एक और बड़ा झूठ जो पकड़ा गया है। तो ये अब तक की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखनी है तो बने रहें आज न्यूज वाला के साथ।